हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव IAS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 फरवरी 2020 का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज का जो आर्टिकल्स आए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला आर्टिकल है हमारा हाउ टू ट्रीट अ चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, गवाह जो होते हैं बच्चे उनको किस तरीके से कोर्ट में उनका ट्रायल चलना चाहिए, पुलिस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए। ये प्रश्न आखिर क्यों उठाया जा रहा है, अभी क्यों उठाया जा रहा है। देखो, हाल ही में घटना हुई जिसमें कर्नाटका के बिदार में स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चों ने ड्रामा आयोजित किया, प्ले आयोजित किया, उसके अंदर वो CAA का क्रिटिकल रोल निभा रहे थे। और जब ये बाहर आई न्यूज़ कि CAA के अगेंस्ट प्ले चल रहा है, पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। और रिपोर्ट्स यहाँ तक आई कि पुलिस गन में थी, गनमैन साथ में थे और बच्चों को दूर ले जाके उनसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने फटकार लगाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कि इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बार बार वही प्रश्न पूछेंगे, ये आप वायलेशंस कर रहे हो, हैं बच्चों की फिक्र नहीं है आपको। तो एडिशनली इसके साथ में एक PIL भी फाइल की गई कर्नाटक हाई कोर्ट में कि ये किस तरीके से पुलिसमैन ऐसे एलिजिबली क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से। उन बच्चों की उम्र मात्र 9 से 12 साल की है और उनसे, उनके पेरेंट्स से बिना अनुमति लिए, ना उनके गार्जियन से बिना अनुमति लिए उनकी वीडियो रिकॉर्ड की गई थी बिना उनकी खुद की अनुमति लिए। ये PIL ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है, और गनमैन साथ में थे, पुलिसमैन साथ में थे, और जिस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट किया डर का, वो उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी डाल सकता था जो कि पूरी ज़िंदगी भर उनको इफ़ेक्ट करता रहता। ये जो PIL है इसने कहा है कि गाइडलाइंस इस तरह की लाई जाए, पुलिस को गाइडलाइंस इशू की जाए कि माइनर्स का इंटरोगेशन किस तरीके से हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, और हो तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हो, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के तहत हो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल मतलब अल्पवयस्क बच्चा, छोटा सा अल्पवयस्क जिसको हम कह सकते हैं, कम उम्र का बच्चा, उसके साथ किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक तो इस बात को आप मानोगे, दूसरी बात यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत रहकर हम किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, UN के जो रेजोल्यूशंस है उसको किस तरीके से इंडिया अपने कानून में उतार रहा है, और चिल्ड्रंस के लिए क्या तरह के सेफगार्ड्स हम लाए हैं। अगर मैं सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले इंडिया सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये 1989 में UN की जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट हुआ था। 1992 में इंडिया इसका सिग्नेटरी हो गया था, तब से इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि बच्चों से रिलेटेड जो भी एक्शंस लिए जाए, चाहे वो आप पब्लिक वेलफेयर के तहत करो, चाहे प्राइवेट सोशल वेलफेयर के तहत करो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कोर्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो, बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में किया जाए, बच्चों का ख्याल रखा जाए, उसके बाद ही जो है अपने इंटरेस्ट देखे जाए। यूनाइटेड नेशन जस्टिस इन मैटर्स इन्वॉल्विंग चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेस इन क्राइम मॉडल लॉ, ये 2009 का है, इसमें कहा गया है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से अगर बच्चों की गवाही ली जाती है तो किस तरीके की पालना, किस तरह के रूल्स की जो है पालना होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस में रिकमेंड किया गया है कि प्रशासन जो होगा वो बच्चों को केयरिंग और सेंसिटिव मैनर में ट्रीट करेगा, और इस तरीके की इंटरव्यू टेक्निक्स लाएगा जिनसे डिस्ट्रेस कम से कम हो और बच्चों को ट्रॉमा कम से कम हो, ताकि आगे जाके उनके करियर पे, उनके फ्यूचर पे एक छवि ना बन जाए सरकार की कि ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ, और स्पेशली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स भी लाए जाएं। ये हमारे UN रेजोल्यूशन में है, जो हमने मॉडल लो जो हमने पढ़ा था, ये हमने जो है ये देखा कि इस तरीके की बातें हो रखी हैं, और इन्वेस्टिगेटर जो होगा चाइल्ड सेंसिटिव अप्रोच लेगा और सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन होने से रोकेगा बच्चों का। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन का मतलब है कि बार बार आपसे वही प्रश्न पूछा जाए और आपको एक तरीके से विक्टिम फील करा दिया जाए, आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल जैसे आपको एक तरीके से क्रिमिनल, आपको जैसे आपने गलती की है, आपके साथ गलत हुआ है लेकिन आपने गलती की है, ऐसे सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। चाइल्ड राइट जो एक्टिविस्ट है वो कहते हैं कि बच्चों से बार बार प्रश्न पूछना प्रशासन के द्वारा, जो भी पुलिस यूनिफॉर्म में है, और बिदार की घटना है उसमें तो गनमैन भी साथ में थे, और बिना उनके पेरेंट्स की वहाँ पे प्रेजेंस के बिना इस
ट्रॉमा से वो गुजर सकते हैं बच्चे। भारतीय कानूनों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसके सेक्शन 118 के अंतर्गत कोई भी मिनिमम एज नहीं है गवाही की। ये साबित होता है ऐसे जब कई बार ट्रायल कोर्ट्स में सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले में 3 साल के बच्चे को भी गवाही के रूप देने के लिए लाया गया था। इस ट्रायल के अंदर कोर्ट ने बच्चे से कोई भी गवाही लेने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट पूछने से पहले ये जांचने की कोशिश की थी क्या वो इस योग्य है, कि वो अपनी जो रेशनल आंसर वो दे सकता है, क्या वो लॉजिकल आंसर दे सकता है, क्या वो प्रश्न को समझने लायक है। तो ऐसा कैसे टेस्ट किया जाता है? सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है, किस विद्यालय में वो पढ़ता है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, और क्या उस, और ये सब का जवाब अगर वो ढंग से देता है या फिर अगर वो ये नहीं समझ पा रहा है प्रश्न भी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा यंग समझा जाता है, फिर उनसे जो है गवाही नहीं ली जाती। अगर वो समझता है या फिर, और उसके बाद ये प्रश्न का जवाब अगर वो दे देता है, और उसके बाद जैसे शपथ दिलाई जाती है, जैसे जो भगवान का नाम लेकर शपथ दिलाई जाती है, अगर बच्चों को शपथ दिला, ऐसे तो दिलानी जरूरी है, अगर बच्चों को दिलाई जाती है और बच्चा नहीं समझता, अगर ओथ का मतलब नहीं समझता, तो बच्चे से यूँ पूछा जाता है, कहा जाता है कि बेटा जो भी बोलो सच बोलना, भगवान को याद करके बोलना, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो है ट्रायल्स जिनमें बच्चे होते हैं, जिनमें बच्चों की गवाही ली जाती है, वो बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज़ के मामले में ज़्यादा आते हैं, जिनमें बच्चे खुद सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुए हैं या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है या फिर कोई वॉयलेंस हो रही है या फिर कोई और क्राइम हो रहा है, उस वक्त वो बच्चे उस घटना स्थल पर मौजूद थे, तो इस वजह से इनकी गवाही लेनी ज़रूरी है और बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए। ये एक जो है हमारे देश की एक सबसे बड़ी, जब चाइल्ड से डील करते वक्त एक प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कई गाइडलाइंस जो है इशू की थी कि बच्चों के एविडेंस को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे क्रिमिनल मैटर में, और वल्नरेबल विटनेस कहा गया कि वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ऐसे विटनेस, ऐसे गवाह जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो वल्नरेबल है, खतरा है उन पे, उनको मेंटल स्ट्रेस से जो है काफ़ी जूझना पड़ सकता है। तो चाइल्ड विटनेस पे फोकस करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी आप टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करो, कोई भी आप उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करो, तो आप ये देखो कि आप किस तरीके से जो है बच्चों के साथ देख रहे हो, एज अप्रोप्रिएट मैनर में कर रहे हो क्या, सेंसिटिवली कर रहे हो क्या, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना जो आप कह सकते हैं फॉर्मल और एडवर्सरियल है, कि विक्टिम को किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है, तो इससे गलत इफेक्ट वल्नरेबल विटनेस के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में पड़ सकता है। तो एक फैसिलेटर का भी यहाँ पे रोल निभाया जाए, किसी भी एक स्किल्ड फैसिलेटर यहाँ पे उसको लाया जाए, ताकि वो पुलिस और जो बच्चे हैं उनके बीच की बातें ट्रांसलेट कर सके, बता सके, कम्युनिकेशन सही तरीके से स्थापित कर पाए। इसके लिए फैसिलेटर का रोल भी होना ज़रूरी है। 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे, चिल्ड्रन कैन बी प्लायबल, प्लायबल मतलब उनको डरा धमका कि उनका स्टेटमेंट चेंज किया जा सकता है, हो सकता है कि डर के मारे पुलिस वालों के सामने वो ढंग से स्टेटमेंट दे ही नहीं, तो उनके जो स्टेटमेंट होते हैं, उनके जो एविडेंस होते हैं, उनकी जो गवाह होती है, वो एक बार सीरियसली लेने से पहले एक बार केयरफुल स्क्रूटनी उनकी कर देनी चाहिए। भारत के मैं अगर कानूनों की बात करूं और अगर डेप्थ में जाऊं, तो सबसे पहले हमारा आता है द जेनुअल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये हमारा प्राइमरी लेजिस्लेशन है देश में जो कि बच्चों के साथ डील करता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इसमें है नहीं कि बच्चों की गवाही किस तरीके से ली जाएगी या किस तरीके से उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे या किस तरीके से उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। हालांकि इस एक्ट के प्रेम्बल में ये बात बहुत अच्छे तरीके से साफ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए बच्चों के साथ डील करने में। जब भी आप कोई मैटर डिस्पोजल करते हो, एडजुकेशन करते हो, बच्चों के इंटरेस्ट में सब कुछ करना चाहिए और इस प्रिंसिपल को हर जगह अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जेनुअल जस्टिस सिस्टम को जो गाइडलाइंस हैं, कि जिसमें कई तरह की गाइडलाइंस, जैसे पुलिस को यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए और पुलिस को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए एक अलग स्पेशलाइज यूनिट्स ऑफ पुलिस बनानी चाहिए जो कि सेंसिटिवली डील कर पाए बच्चों के साथ। इस एक्ट में कहा गया है कि हर राज्य में, हर राज्य सरकार हर अपने ज़िले में या अपने शहर में एक स्पेशल जेनुअल पुलिस एक्ट यूनिट स्थापित करेगी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हर शहर में, हर ज़िले में, जिसको डीएसपी के नीचे वाला रैंक हेड नहीं करेगा, डीएसपी के ऊपर, डीएसपी या डीएसपी से ऊपर वाले रैंक ही उसमें हेड करेंगे। साथ में उनके साथ 2 सोशल वर्कर होंगे जिनमें से एक महिला होंगी और दोनों को चाइल्ड वेलफेयर की फील्ड में अनुभव होना चाहिए। उनका जो काम है वो ये होगा कि बच्चे के साथ पुलिस सेंसिटिवली
ट्रीट कर रही है या नहीं कर रही, ये उनकी जो है एक बहुत बड़ा रोल होगा। इस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि हर ज़िले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, ताकि अथॉरिटीज़ अगर पकड़ी जाती हैं वोलेशंस करते हुए बच्चों के हैंडलिंग के टाइम पे, तो इस चीज़ का जो है यहाँ पे इस चीज़ को नज़र में ला के इस चीज़ का समाधान निकाला जाए। पॉक्सो एक्ट एक हमारा दूसरा कानून है जो कि बच्चों के साथ डील करता है। वैसे तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ डील करता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर बच्चों को गवाही ली जाए, इंटरव्यू किया जाए, उनसे प्रश्न पूछा जाए, तो खास करके अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ विक्टिम्स की बात की जाए, तो एक तरीके का फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जिसमें सेफ न्यूट्रल चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। बच्चों के घर में भी उनका इंटरव्यू लिया जा सकता है, और जरूर, और ऐसा नहीं हो कि हर एक प्रश्न आप बार बार ही पूछे जा रहे हो उससे जवाब निकलवाने के लिए। बार बार प्रश्न ना पूछा जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ में ही एक सपोर्ट पर्सन होगा जो कि काउंसलिंग जब होगी बच्चों की, उस टाइम बच्चे के साथ मौजूद होगा, उसका स्ट्रेस, उसका ट्रॉमा कम करने में उसकी मदद करेगा। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को एक मामले में फटकारा था, जिसमें उसने 3 साल के बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और बार बार उस बच्चे को बुलाया क्योंकि उसकी क्लासमेट के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। और जहाँ तक मुझे घटना याद आ रही है कि ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था उसके क्लासमेट के साथ, उसके किसी 10 साल या 14 साल के बच्चे ने ही किया था। मतलब बहुत अजीब सा केस था ये, जो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया क्या हुआ था। लेकिन इस केस के अंदर 3 साल के बच्चे के साथ पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को फटकार लगाई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जनवरी 2020 की बात हो रही है, जनवरी 2020, गर्मी आपको भी फील होना शुरू हो गई होगी, गर्मी जिस तेज़ी से बढ़ रही है। पहले गर्मी जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल सर्दियां सी रहती थी, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, आपको देखना पड़ेगा, जैसे यूरोप में जनवरी का इस बार सेकंड वार्मेस्ट जनवरी रहा है रिकॉर्ड में अब तक का। और जनवरी 2020 अगर ओवरऑल में बात करूँ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की, तो 1880 के बाद से जनवरी वार्मेस्ट अब तक रहा है। सोचो, हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है ग्लोबल एवरेज का, इतनी ज़्यादा जो है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया जनवरी सेकंड वार्मेस्ट रहा है, ऑस्ट्रेलिया में थर्ड वार्मेस्ट रहा है, एशिया में सेकंड वार्मेस्ट रहा है, यूरोप में सेकंड वार्मेस्ट रहा है, यूएसए में फिफ्थ वार्मेस्ट है। ये ठीक है। अब दारा शिकोह की इसमें बात हो रही है। अच्छा, दारा शिकोह की बात इसलिए हो रही है, एक तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली एक 7 मेंबर पैनल स्थापित किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ताकि ये जो ग्रेव है मुगल प्रिंस दारा शिकोह की, जो कब्र है, वो पता लगाया जाए कहाँ है। क्योंकि अब ज़रूरी क्यों है और अब क्यों यहाँ पे इनकी कब्र देखी जा रही है, क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है कि इनको कहीं पे दिल्ली के हुमायूं के टॉम्ब कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं गाड़ा गया था, कहीं इनकी कब्र खुदी थी। अब उसमें 140 ग्रेव्स हैं, उनमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी ग्रेव में ये हैं। आखिर इनकी ग्रेव की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर ऐसा क्यों कर रहा है, इस केस क्लियर तो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं दारा शिकोह की बात करूं, तो ये जहां जहां के सबसे बड़े बेटे थे, हालांकि इनको जो है मार दिया गया था युद्ध में, क्योंकि औरंगजेब जो इनके भाई थे उनके साथ इनकी सियासत लड़ाई चल रही थी, यानी गद्दी ये लेना चाहते थे, औरंगजेब भी गद्दी लेना चाहते थे। हालांकि दारा शिकोह को एक लिबरल मुस्लिम माना गया था, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जो ट्रेडिशंस हैं उनके बीच की कम्युनिटीज़ ढूंढने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि भगवद्गीता का पर्शियन ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया, और 52 उपनिषद का भी पर्शियन ट्रांसलेशन इन्होंने किया। और दारा शिकोह को बोला गया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्री थिंकर्स ऑफ द टाइम। दारा शिकोह ने उपनिषद की जो ग्रेटनेस है उसको समझा, उसको ट्रांसलेट किया, और उपनिषद जो केवल अपर कास्ट हिंदूज़ के लिए थे, ट्रांसलेट करके उनको लोअर कास्ट हिंदूज़ के लिए भी जो है बनाने की कोशिश की, ट्रांसलेशन उन्होंने किया। तो इस वजह से इनकी ट्रांसलेशन की मदद से आज के जो थिंकर्स हैं, फ्री थिंकर्स को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी जो है काफ़ी इंस्पिरेशन इनसे मिली थी। दारा शिकोह की औरंगजेब से लड़ाई थी, दारा शिकोह जो है औरंगजेब से बिल्कुल उल्टे थे, काफ़ी दयालु थे, जनरस थे। राइटर कह रहे हैं यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो हिस्ट्री में कोई भी फैक्ट अगर जानो तो उसके पहले रिसर्च अच्छे से कर लो। और हालांकि हिस्ट्री तो यही कहती है कि दारा शिकोह जो है काफ़ी फार्म हर्टेड थे, हालांकि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी प्रशासन उनसे सही नहीं चल पाता था, और युद्ध में वो काफ़ी इनफेक्चुअल थे, जबकि औरंगजेब जो है बिल्कुल क्रूर थे और
काफ़ी ये युद्ध में जो है आराम से जीत भी पाता था। तो काफ़ी जो है कंपैरिजन करने की कोशिश की औरंगजेब के साथ, दारा शिकोह के साथ, लेकिन उसमें हमको नहीं जाना। हमको ये देखना है कि जो है टॉम ग्रेव मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि ग्रेव में जो है कौन सी ग्रेव में है पता नहीं चल पा रहा। हालांकि दारा शिकोह के बारे में आपने जान लिया, यूपीसी के लिए यही काफ़ी है। एड्रियन हेलमेट देखो, अभी क्या हुआ कि ये पता चला एक रिसर्च में कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो हेलमेट यूज किया गया था वो आज के हेलमेट से ज़्यादा सुरक्षित है। और वो हेलमेट जो है एड्रियट हेलमेट जिसको कहा जा रहा है, वो फ्रेंच आर्मी को दिया गया था, 1915 में ही आया था। फर्स्ट मॉडर्न स्टील हेलमेट इसको कहा गया था। बेसिकली अगर जैसे बम फटते हैं तो शॉक वेव्स आती हैं, तो उनसे बचने के लिए हेलमेट काफ़ी ज़्यादा उपयोगी था। आज ये पता चला है कि मॉडर्न जो हेलमेट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ओवरहेड ब्लास्ट में जो शॉक वेव्स आती है उनसे ये बचा के रखने की कोशिश करता है। और जिस तरीके से मिलिट्री हेलमेट्स आते गए हैं समय दर समय, जिस तरीके से एडवांसमेंट आता रहा है, हमको एक नए हेलमेट्स की ज़रूरत पड़ती गई। लेकिन आज से साबित हो चुका है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से हेलमेट से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक टेस्ट किया गया जिसमें देखा गया कि प्रेशर डाले गए, डमी जो है खड़े किए गए, उनके ऊपर हेलमेट लगाए गए, फिर देखा गया कि बम ब्लास्ट करके शॉक वेव्स की क्या इफेक्ट हो रहा है। तो पता चला कि एड्रियन जो हेलमेट है वर्ल्ड वार फर्स्ट वाला, उसका उस पर इफेक्ट काफ़ी कम हुआ है। इन 5 ईयर्स 376 डाइड क्लीनिंग सीवर्स एंड टैंक्स। मैं पिछले जो है काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि सीवर टैंक वाली जो सेप्टिक टैंक वाली जो समस्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली जो समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है। नेशनल सर्वे हुआ था 18 राज्यों में, उन्होंने देखा था कि करीब हमारे देश में 62,000 मैनुअल स्केवेंजर्स हैं, और ये काफ़ी खतरे से भरी इनकी ज़िंदगी होती है। क्योंकि टैंक साफ करते करते और गटर साफ करते करते, सीवर टॉप साफ करते करते इनकी मौत हो जाती है, और मतलब काफ़ी भयानक इनकी मौत होती है। और इस पे ये हमको जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इनकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। हालाँकि मैनुअल स्केवेंजिंग प्रोहिबिटेड है। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर, कि जिसमें सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को 2013 से ये एक्ट लागू कर दिया गया था। मंत्रालय ने ये भी बोला, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ये मैनुअल स्केवेंजिंग पे काम करता है, इन्होंने ऐसे कहा था कि बेसिकली कि कोई भी मौत इससे नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि सेप्टिक टैंक्स और सीवर साफ करते करते काफ़ी ज़्यादा समस्याएं सामने आई हैं। अब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैनुअल स्केवेंजिंग को आखिर हम क्यों नहीं रोक पा रहे, क्यों हम जो हैं बाकी देशों से पिछड़े रह जाते हैं, क्यों हमारे देश में मैनुअल स्केवेंजिंग की मदद से इतनी मौतें की वजह से इतनी मौतें होती हैं, और क्यों लोअर कास्ट के पीपल ही जो हैं ये सफाई कर्मचारी होता है, क्यों लोअर कास्ट के पीपल को इनमें इंक्लूड किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपर कास्ट को भी इंक्लूड करो, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें हम सुधार क्यों नहीं ला पा रहे, मैनुअल स्केवेंजिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट क्यों नहीं किया जा पा रहा, क्या वो मजबूरी में आके मैनुअल स्केवेंजिंग जैसा दर्द मौत भरा, मतलब जिसमें इतना बड़ा रिस्क है, वो काम कर रहे हैं। इस पे कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख के बताइए। गाइज ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।